वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो एक ऐसा टॉपिक पे होने वाला है जिसका मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है, मेरा डीएम पे आता है इंस्टाग्राम में एंड वाईटी पे, यूट्यूब पे भी एंड यूट्यूब पे भी आता है। तो आज मैं सोचा कि ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लूँ। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज, जो क्वेश्चन था वो ये है कि मेरा बाइक इतना दिन से मेंटेन कैसा है, मतलब वो इतना क्लीन कंडीशन में कैसा है। जैसा कि आप लोग को मालूम रहेगा, मेरा बाइक 10 साल हो गया है रेस्टोर करके। 2010-12 वो टाइम पे कुछ रेस्टोर किया था, फिर उसके बाद एक अभी रिसेंटली 2017-18 में कुछ किया था। तो वो टाइम पे ज़्यादा कुछ किया नहीं था, कुछ कुछ पार्ट्स चेंज किया था, लेकिन गाड़ी ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है 10 साल पहले से अभी तक जैसा है। तो बहुत लोग को ये जानने का है कि मैं क्या ऐसा करता है कि मतलब मेरा गाड़ी इतना क्लीन कंडीशन में रहता है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने का है नहीं, बस 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करने का है एंड आपका बाइक हमेशा एकदम क्लीन दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जो फर्स्ट चीज़ है वो ये रहेगा कि कभी भी आपका बाइक आप शेड में खड़ा करो, मतलब छाव वाला एरिया में। बहुत लोग क्या करते हैं, ये चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, कभी भी उनका गाड़ी ऐसा धूप में खड़ा रहेगा डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, वो सबसे हार्मफुल रहता है गाड़ी का पेंट के लिए। बहुत सारा गाड़ी का आप लोग ने पेंट देखा रहेगा, धीरे धीरे उसका शाइन निकल जाता है, मतलब पेंट तो उधर रहता है लेकिन उसका ऊपर का ग्लेज निकल जाता है। तो वो इसके वजह से होता है क्योंकि बाइक जब भी ज़्यादा टाइम धूप में खड़ा रहता है तो उसके वजह से पेंट धीरे धीरे डल हो जाता है। तो उसका उससे बचने का एक ही चांस है, एक तो बाइक को शेड में खड़ा करो, मतलब छाव वाला एरिया में, या फिर दूसरा अगर आपके पास छाव वाला एरिया नहीं है तो फिर बाइक पे कवर डालो। ये दो चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। गाड़ी को कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं खड़ा करने का। अगर आपके पास छाव है और कवर भी है तो बेस्ट है, मेरा गाड़ी वैसे ही खड़ा रहता है कभी भी। अभी भी आप लोग ने अगर देखा रहेगा, मैं जब भी वॉश करता है तो भी मेरा गाड़ी छाव में ही खड़ा रहता है। मैंने एक पूरा टेंट एक बांध दिया है कैसा कपड़ा जैसा मेरे घर के सामने, तो गाड़ी कभी भी छाव में ही रहता है। तो ये आप लोग करना चाहिए, कभी भी गाड़ी पे कवर डालो एंड छाव में खड़ा करने का। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका गाड़ी पे डस्ट भी नहीं बैठेगा, सनरेज से भी बचेगा, धूप नहीं गिरेगा गाड़ी के ऊपर, तो बेस्ट कंडीशन में रहेगा कभी भी गाड़ी। सो गाइस, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, कभी भी अपना बाइक को छाव में खड़ा करो। एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, वो रहेगा कभी भी अगर आपका बाइक अपने एक राइड मार के आया है या फिर नॉर्मली सिटी में अगर आपका गाड़ी घूमा है ज़्यादा दिन के लिए, तो एक बार आप उसको प्रेशर वॉश कर दो गाड़ी को, मतलब एक प्रॉपर एक सर्विस सेंटर पे लेके जाओ जहाँ पे गाड़ी का वॉशिंग मशीन होता है, वॉश और वैक्स। तो कैसा प्रॉपरली गाड़ी का सब अंदर अंदर का पार्ट, जिधर जिधर डर्ट घुसता है, जिधर अपना हाथ नहीं पहुँच सकता है, वो जगह से प्रेशर वॉश से क्लीन हो जाएगा गाड़ी। तो ये चीज़ आप लोग डेफिनेटली करना चाहिए। मैं हमेशा जब भी कोई भी एक बड़ा राइड करता है या फिर कोई भी एक अगर सिटी पे भी ज़्यादा मेरा गाड़ी घूम रहा है तो रेगुलरली तो मैं वॉश करता ही है, लेकिन एक बार तो आपको महीने में प्रेशर वॉश करना चाहिए। उसके वजह से क्या होता है, गाड़ी प्रॉपरली क्लीन हो जाता है अंदर अंदर से एकदम। तो एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ चलो अपना गाड़ी अभी अच्छे से क्लीन है एकदम, तो चलाने को भी अच्छा लगता है। तो गाइस, ये था सेकंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वो रहेगा कभी भी अगर आपका गाड़ी गंदा है या फिर मतलब उसके ऊपर डस्ट है या फिर कुछ भी ऐसा झाड़ के नीचे कोई कोई गाड़ी खड़ा करता है तो उसके वजह से कुछ कुछ दाग लगा रहता है गाड़ी के ऊपर, तो कभी भी आप लोग उसके ऊपर हाथ मत लगाओ या फिर कपड़ा वपड़ा अप्लाई मत करो। उसके वजह से क्या होता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है लेकिन जो भी उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल रहता है, अगर आप उसके ऊपर हाथ घुमाएंगे या फिर कपड़ा घुमाते हैं ना, तो स्मज मार्क्स आता है उसके ऊपर। बहुत हल्का रहता है वो, लेकिन वो बहुत टाइम तक दिखता है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे इतना, तो वो और ज़्यादा ज़्यादा होता है। फिर एक टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरा क्लियरली दिखता है, फिर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो ये जब भी होता है, स्मज मार्क्स जब भी गाड़ी के ऊपर आ जाता है, तभी उसको हटाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पेंट करेक्शन, जिसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा डालना पड़ेगा। 2000 से 2500 तो वो तो स्टार्टिंग प्राइस है कोई भी गाड़ी को डिटेलिंग करने का, मतलब बड़ा प्रोसेस जो हो जाता है वो। तो वो सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज़, अगर आपका गाड़ी गंदा है तो कभी भी उस पर कपड़ा मत मारो, झाड़ो उसको, लेकिन ऐसा उसको घसो मत उसके ऊपर, ऐसा कपड़ा ऐसा लेके ऐसा कपड़ा मारने का उसके ऊपर, ऐसा कभी घिसने का नहीं। तो वो आप कर सकते हैं। एंड उससे तो अच्छा मैं तो बोलेगा गाड़ी को वॉश ही कर दो। एंड ये सब कभी होता है, डस्ट पार्टिकल कभी जमा होता है गाड़ी के ऊपर, जब भी आपका गाड़ी के ऊपर कवर नहीं रहेगा या फिर आपका गाड़ी छाव में नहीं खड़ा रहता है,
तो वही टाइम पे होता है ऐसा। अभी मेरा गाड़ी कभी भी छाव में रहता है एंड कवर रहता है उसके ऊपर, रेगुलरली वॉश होते रहता है, तो उसकी वजह से मेरा गाड़ी के ऊपर कभी भी डस्ट मार्क्स डस्ट नहीं रहता है या फिर स्मज मार्क्स कभी आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि आप लोग ने मेरा हर वीडियो में देखा रहेगा, कभी भी मेरा गाड़ी गंदा दिखता नहीं है क्योंकि मेरा गाड़ी हमेशा कवर में खड़ा रहता है, कवर और छाव के नीचे रहता है। सो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड। ये कुछ था 3 स्टेप्स टू कीप द बाइक क्लीन एंड इन टॉप नॉच कंडीशन। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ये वीडियो आप लोग के बाइकर फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर करो जो लोग अपना बाइक का बहुत ख्याल रखते हैं, एंड चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहो। मैं और भी ऐसे धीरे धीरे वीडियोज लाते रहेगा, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। सो या गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, आई होप टू सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ।